क्वेश्चन डिजाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उस स्टेप्स में डिस्कस की थी। स्टेप नंबर 1 में हमने बात किया कि हम लोगों को क्या मेजर करना है, जिसमें हमने वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स को डिफाइन किया। और दूसरे स्टेप्स में हमने देखा कि ये जो वेरिएबल्स है और कंस्ट्रक्ट्स है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं। अभी हम लोग स्टेप नंबर 3 पे है और यहाँ बात हो रही है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड चार्ट। तो मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मेट है इंफॉर्मेशन नीड चार्ट का। आपको ये फॉर्मेट, या जिसको मास्टर चार्ट कहते हैं, ये तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका वो आसानी से बन जाएगा। ये रिसर्च क्वेश्चंस बोलिए इसको, या फिर आपकी जो थीम्स है जो आपने आइडेंटिफाई की है, वो थीम्स यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4। और इस थीम्स को लेके आपने जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स को क्लब किया है, वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आ जाएंगे। और हर ऑब्जेक्टिव्स के वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे, और इन वेरिएबल को लेके आपको क्या इंफॉर्मेशन लगेगी। जैसे एक्स एक वेरिएबल है इनकम, तो यहाँ पे आपको इनकम को लेके क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। इनकम आपको ग्रॉस चाहिए या नेट चाहिए, या फिर आपको ये मंथली चाहिए कि एनुअल चाहिए, ये सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जिसको कहते हैं वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज, वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज करना, यानी कौन से कॉन्टेक्स्ट में हमको वेरिएबल को लेके डेटा चाहिए, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में ये पर्टिकुलर डेटा जो आपको चाहिए इन वेरिएबल्स को लेके, ये आपको डेटा कौन देगा, ये यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, हु विल प्रोवाइड यू विद दिस पर्टिकुलर डेटा। और ये मास्टर चार्ट बनने के बाद आप ये कॉलम को रेफर करते हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन के कितने सेट बनाने हैं। यानी यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स अगर अलग अलग है तो अलग अलग क्वेश्चनर्स बनाने होंगे। अगर यहाँ पे इफ सपोज आप कोई कॉलेजेस का सर्वे कर रहे हैं, तो कुछ डेटा स्टूडेंट देंगे, कुछ टीचर्स देंगे, और कुछ मैनेजमेंट के अथॉरिटीज देंगे। तो अगर ऐसे तीन जगह ये डेटा आपको चाहिए, तीन अलग अलग तरीके से लोगों से या टारगेट पॉपुलेशन से, तो ऑब्वियसली आपको तीन प्रकार के क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, जो आपको इस कॉलम से पता चल जाएगा। सो दिस इज वॉट योर इंफॉर्मेशन नीड चार्ट इज। ये कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट्स या स्टेटमेंट्स हम लोग लिस्ट आउट कर देंगे, और फिर क्वांटिनम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चनियर जो है वो शेप अप होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक कंस्ट्रक्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कंज्यूमर परसेप्शन, इसको लेके मैंने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए। ये लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स है स्टेप नंबर 2 में, कि कंज्यूमर परसेप्शन ये मेरा C1 है, और C1 को लेके ये 6 एट्रीब्यूट्स लगते हैं, ये मैंने लिस्ट आउट कर लिए। अभी स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लोग इन एट्रीब्यूट्स को स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे और एक क्वांटिनम डिसाइड कर लेंगे कि आपको 5 पॉइंट्स के लिए यूज करनी है, 7 पॉइंट, ये आपका क्वांटिनम है। और जो एट्रीब्यूट्स आपने आइडेंटिफाई किए थे, जो ऑलरेडी मैंने रेड में मार्क किए हैं, ये एट्रीब्यूट्स है, इनको पिरो के हमने स्टेटमेंट्स बना लिए और ये 5 पॉइंट पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर C1 को लेके आपका जो क्वेश्चनर है वो तैयार है। इसी तरीके से आपको C2, C3, C4 इस तरीके से ये डेवलप करना है और इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में सजा लेना है, तो आपका फाइनल क्वेश्चनर तैयार हो जाएगा। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स, ये मेरा C2 है इफ सपोज, तो इसके एट्रीब्यूट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, 10 एट्रीब्यूट्स है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करते हैं, और ये आप मैंने फिर से 5 पॉइंट स्केल लिए हैं। सो ये सेटिस्फेक्शन की स्केल है, सो वेरी डिसटिस्फाइड टू वेरी सेटिस्फाइड। और इस तरीके से मेरा C2 का भी क्वेश्चन तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं बाकी C3, C4, C5 एक एक करके डेवलप करते जाऊंगा और इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में सजा दूंगा। हम लोग लास्ट सेक्शन पे, अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गाइडलाइंस और डेवलपिंग या डिजाइनिंग क्वेश्चनेयर। इसमें गाइडलाइन नंबर 1 ये है कि आपको आपका क्वेश्चन बैंक तैयार करना है। क्वेश्चन बैंक कहाँ से तैयार करेंगे, तो ऑब्वियसली जो लिटरेचर रिव्यू है, आप देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू करते वक्त जो भी रिसर्च पेपर्स या फिर आप
थेसिस को रेफर कर रहे हैं तो उसके अनेक्सचर में जनरली क्वेश्चनर अटैच होता है। उस क्वेश्चनर को पढ़ के आपको जो क्वेश्चन सुटेबल लग रहे हैं आपके टॉपिक से मिलते जुलते उसको आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे एक जगह। सो एलआर इज वेरी वेरी मीनिंगफुल एक्टिविटी फॉर डिजाइनिंग क्वेश्चनर एंड यू कैन जस्ट सिंपली अंडरमाइन द पावर ऑफ एलआर। तो शोध गंगा जैसे मैंने आपको बताया, ओएटीडी की साइट मैंने बताई थी आपको, ये ओएटीडी से ही लिया हुआ है मैंने एक क्वेश्चन है जो सैंपल करके, तो आप देख सकते हैं ये अनेक्षर में आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जैसे यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को लेके पूछा गया है, सोशल मीडिया की तरफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं और ये स्केल कॉन्टिनम, इसको रेफर करते हुए अगर आपको ये सुटेबल लग रहा है तो आप इसको एक जगह वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसके बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स भी आप मेंशन कर लेंगे। और उसके बाद आप इवन गूगल पे भी सिंपली सर्च कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि जैसे मैंने ऑन कस्टमर है तो मुझे क्लूज दे रहा है कस्टमर को लेके क्या ढूंढ रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में ढूंढ रहे हैं, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ढूंढ रहे हैं, या परसेप्शन ढूंढ रहे हैं। सो आप इस पे जस्ट इमीडिएटली यहाँ पे इसको सेटिस्फेक्शन मेजर करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आप, तो गूगल विल प्रोवाइड यू सो मेनी ऑफ सच क्वेश्चनर्स। आप देख रहे हैं 5,64,000 क्वेश्चनर्स है इसके पास, तो आप ऊपर की 10 लिंक भी ओपन कर लेते हैं तो आपको कुछ वर्दी आइडियाज मिल जाती हैं। और ये जो कर रहे हैं ये एलआर की ही एक्टिविटी है, और यहाँ पे आप जो भी रेफर कर रहे हैं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उन सबको साइटेशन देना कंपलसरी है, बिना साइटेशन के आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक तैयार है तो अभी आप लेआउट तैयार कर लेंगे। लेआउट यानी क्या, एक वर्ड डॉक्यूमेंट ले लीजिए और उसमें एक ब्लैंक फॉर्मेट बना लीजिए जिसमें पहला सेक्शन रहेगा आपका रेस्पोंडेंट प्रोफाइल जिसमें नेम, जेंडर, एज वगैरह वगैरह जो भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पहले ये ब्लैंक फॉर्मेट आपको डेवलप करना है और उसके बाद इस ब्लैंक फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन सजाने हैं। सेक्शन 1 की थीम का टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह वगैरह, ये एम्प्लॉय का है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन वगैरह वगैरह, जैसे वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी, वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे आप सेक्शन के हेडिंग दे देंगे। और क्वेश्चन बैंक में आपके पास जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो रिलीवेंट क्वेश्चन रिलीवेंट सेक्शन में आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे और उसको एक लॉजिकल प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर देंगे तो आपका क्वेश्चनर हंसते खेलते बन जाएगा। गाइडलाइन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप्स है। क्वेश्चन के ब्रॉडली 2 ही टाइप्स होते हैं, पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और ओपन एंडेड में आपके पास इससे 2 कैटेगरीज होती है, ओपन एंडेड टेक्स्ट और ओपन एंडेड न्यूमेरिक। और क्लोज एंडेड में आपके पास 4 चॉइसेस है, डाइकोटोमस, मल्टीपल रेस्पॉन्सेज जिसको एमसीक्यूज कहते हैं, तीसरा चेकलिस्ट और चौथा होता है स्केल क्वेश्चन। मैं ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ अभी, यहाँ से बात कर रहे हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और कोई चॉइसेस नहीं दे रहे टिक मार्क करने के लिए रेस्पॉन्डेंट को। आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन एंडेड के 2 प्रकार होते हैं, ओपन एंडेड टेक्स्ट की बात हो रही है फिलहाल। ओपन एंडेड टेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन की जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है ये वाला और आपने आगे जगह छोड़ दी है और यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आएगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट टीवी सीरियल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के बी सी, तो आपने यहाँ पे चॉइसेस नहीं दिए हैं जगह छोड़ी है, ऐसे क्वेश्चन को ओपन एंडेड कहेंगे। और ओपन एंडेड टेक्स्ट यानी क्या, तो ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब टेक्स्ट में आने वाला है। आप देख सकते हैं आई लाइक नेस कैफे बिकॉज, मैं यहाँ पे कारण लिखूंगा बिकॉज आई लाइक इट्स टेस्ट। तो यहाँ पे जो जवाब आ रहा है वो टेक्स्ट में आ रहा है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज योर ओपन एंडेड टेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे होते हैं ओपन एंडेड न्यूमेरिक, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन जगह छोड़ी गई है और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नंबर में आएगा, व्हाट इज योर एज, तो यहाँ पे जो भी है वो नंबर में जवाब आ रहे हैं। ये सब नंबर में जवाब आ रहे हैं। मच अमाउंट यू स्पेंड इन ए मंथ और
मोबाइल रिचार्ज इट सपोज। तो यहाँ पे जो भी जवाब आएंगे नंबर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ओपन एंडेड न्यूमेरिक कहते हैं। फिर होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड का मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछते हो, चॉइसेस देते हो टिक मार्क करने के लिए। क्लोज एंडेड में पहला टाइप होता है जिसको कहते हैं डाइकोटोमस। डाय का मतलब होता है टू, डाय का मतलब होता है टू, और कोटोमस का मतलब होता है चॉइसेस। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे और दो चॉइसेस देंगे, और दोनों में से किसी एक जगह रेस्पॉन्डेंट अगर टिक मार्क कर रहा है तो उसको डाइकोटोमस कहते हैं। जैसे आर यू डायबिटिक, तो आपने दो चॉइसेस दे दी, वन और टू, इसमें से किसी एक जगह पे वो टिक मार्क कर रहा है रेस्पॉन्डेंट आपका। व्हाट काइंड ऑफ पेट्रोल डू यू यूज इन योर कार, तो नॉर्मल या प्रीमियम, तो आपने दो चॉइसेस दी है, वन और टू, तो दोनों में से किसी एक जगह पे रेस्पॉन्डेंट टिक मार्क कर रहा है। उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइसेस, एक दो तीन, दो से ज्यादा, चार पांच चॉइसेस आपने दिए, और पांच में से किसी एक जगह पे आपका रेस्पॉन्डेंट टिक मार्क कर रहा है। जैसे एजुकेशन को लेके भी आप देखेंगे पांच चॉइसेस दिए हुए हैं, तो किसी एक जगह पे रेस्पॉन्डेंट टिक मार्क कर रहा है, जिसको एमसीक्यूज कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं चेकलिस्ट क्वेश्चन। चेकलिस्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें मल्टीपल चॉइसेस दी जाती हैं। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू क्या परचेस करते हो, और चॉइसेस दिए हैं कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, बुक्स एंड मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह वगैरह, और आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है कि आप इसमें से क्या परचेस करते हो। तो जैसे बुक्स में खरीदता हूँ, मैं हाउस होल्ड गुड्स खरीदता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक खरीदता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस है, पर टिक मार्क करते वक्त कोई एक टिक मार्क नहीं, एक से ज्यादा टिक मार्क रेस्पॉन्डेंट कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को चेकलिस्ट क्वेश्चंस कहा जाता है। उसके बाद आते हैं स्केल क्वेश्चंस। ये देखिए, ये 1 to 10 की रेटिंग स्केल जिसको कहते हैं, अलग अलग प्रकार की स्केल्स होती हैं। ये जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 1 to 10 की स्केल है, जो खास करके फीडबैक में यूज की जाती है, वेरी बैड टू वेरी गुड। आप देख सकते हैं, ये फिर से ये भी आपकी रेटिंग स्केल ही है। ये जो है पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, इसको आइटमाइज रेटिंग स्केल कहा जाता है। उसके बाद ये जो है, ये ग्रिड फॉर्म की है, इसको भी आप लिकर्ट स्केल कहते हो जनरली। लिकर्ट स्केल यानी ये भी आइटमाइज रेटिंग स्केल ही होती है। आप जैसे देख सकते हो, ये 5 पॉइंट स्केल है। ये अलग अलग प्रकार के स्केल्स होती है। ये जो है, ये बाइपोलर स्केल है, आप देख रहे हो, ये वन पोल और एक सेकंड पोल, इसको बाइपोलर कहते हैं, बाइपोलर। और यहाँ पे रेस्पॉन्डेंट टिक मार्क कर रहा है, ये भी रेटिंग स्केल ही है, 1 to 5 में किसी एक जगह पे वो टिक मार्क करेगा। बाद में पेयर्ड कंपैरिजन स्केल, कि आप दो चॉइसेस दे रहे हो, ये चॉइस नंबर वन, चॉइस नंबर टू, और दोनों में से किसी एक जगह पे टिक मार्क करने के लिए आप कह रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। हम लोग लास्ट सेक्शन पे है अभी क्वेश्चन डिजाइनिंग के, जो है आपकी गाइडलाइन नंबर 5। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डोंट्स ऑफ क्वेश्चन डिजाइनिंग। क्वेश्चन डिजाइनिंग करते वक्त आपने क्या नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन डिजाइन करते वक्त आपने लीडिंग क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है ये ऐसे क्वेश्चन की जो चॉइसेस में क्लूज देते हैं कि ये तीन तो दिए हैं चॉइसेस, पर आपको टिक मार्क करते वक्त इसी पे टिक मार्क करना है, ऐसा आप इम्प्लाइड सेंस में रेस्पॉन्डेंट को क्लू देते हो। ऐसे क्वेश्चन को आप लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वर्किंग मदर को लेके ये सर्वे किया गया था। इसमें पूछा गया है वर्किंग वुमन को कि डू यू थिंक दैट वर्किंग मदर्स शुड बाय रेडी टू ईट फूड व्हेन दैट माइट कंटेन सम केमिकल प्रिजर्वेटिव, और जवाब चाह रही है कि ये नो ही होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। उसके बाद होते हैं लोडेड क्वेश्चन। यू आर सपोज टू अवॉइड लोडेड क्वेश्चंस एज वेल। लोडेड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर एड्रेसिंग सम सेंसिटिव इश्यूज। आप एग्जांपल देख सकते हो कि डू यू ड्रिंक, आप रेस्पोंडेंट को पूछ रहे हो कि आप ड्रिंक करते हो क्या, तो ये थोड़ा सा ऑफेंडिंग लगता है, ये पर्सनल क्वेश्चन है। जरूर है, तो फिर आपने
ये क्वेश्चंस जो लोडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं, सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करने वाले, ये आपने नहीं पूछने चाहिए। आपने शादी करते वक्त डाउरी ली थी क्या? ये क्वेश्चन ऑफेंडिंग लगता है, ये लोडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। आप खर्रा खा के सड़क पे थूकते हैं क्या? आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं क्या? ऐसे जो क्वेश्चंस है, क्या आपने अपनी बीबी को कभी मारा है? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लोडेड क्वेश्चन, ये ऑफेंडिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस को जनरली अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद होता है डबल बैरल क्वेश्चन। यू शुड ऑल्सो अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन। डबल बैरल का मतलब है कि आप एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल, प्लीज रेट द लेक्चर इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। यानी मैं, ये डायरेक्टली पूछा गया है, 1 to 10 की स्केल में आप रेट करने के लिए पूछ रहे हो। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स आए, एक है लेक्चर के कंटेंट और दूसरा है प्रेजेंटेशन। तो ये रेटिंग 1 to 10 का आपने जो पूछा है, ये अगर 5 का रेटिंग दे रहा है तो ये दोनों को लागू हो जाता है। 5 यानी 5 का रेटिंग कंटेंट को भी गया और प्रेजेंटेशन को। पर हो सकता है कि कंटेंट के लिए कोई और रेटिंग हो और प्रेजेंटेशन के लिए कोई और हो, तो आपने इसको सेपरेट कर लेना चाहिए। और इस क्वेश्चन का स्वरूप कुछ ऐसा होना चाहिए, स्कोर दिए आपने 1 to 10 के, और कंटेंट को आप बोल रहे कि अलग से रेट करिए, प्रेजेंटेशन को आप बोल रहे अलग से रेट करिए। एक रियल लाइफ केस बताओ, और ये सही में रियल लाइफ में होता है, जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चनर आया था करेक्शन के लिए, वो बंदे ने कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेके सर्वे किया था, और वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस और पेशेंट्स तीनों का सर्वे उसने किया था। तो पेशेंट का जो सर्वे फॉर्म था, उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पेशेंट्स को कि डॉक्टर और नर्सेस का बर्ताव आपके प्रति कैसा है, और उसमें चॉइसेस दिए गए थे कि बहुत बुरा, बुरा, एवरेज, अच्छा और बहुत अच्छा। इसमें तकलीफ क्या हो रही है कि जो भी ये मार्क करेगा, इफ सपोज अच्छा मार्क करता है तो डॉक्टर का बर्ताव भी अच्छा हो गया और नर्स का भी बर्ताव अच्छा हो गया। अगर वो बुरा मार्क करता है तो डॉक्टर का भी बर्ताव बुरा है, नर्स का भी बर्ताव बुरा है। एक्चुअली आपने ये क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में स्प्लिट करना चाहिए कि नर्सेस का बर्ताव आपके प्रति कैसा है और डॉक्टर्स का बर्ताव आपके प्रति कैसा है, वो ही जाके आपको जेन्युइन रेटिंग्स मिल पाएगी। तो ये रियल लाइफ में भी गलतियां होती है पीसा स्कॉलर से। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन डिजाइनिंग का पार्ट है, ये खत्म होता है। इसको लेके अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। इसके बाद फिर मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन डिजाइनिंग को लेके? आप सुन रहे मुझे? सर अच्छा, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑन कार्ड्स नाउ फॉर डिस्कशन। यहाँ पे बात हो रही है चेकिंग कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा की। एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। ये आपका यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है, जिसमें ये जो टॉपिक मैंने हाईलाइट किया हुआ है, चेकिंग कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसमें 3 इश्यूज दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। एक्चुअली ये 3 इश्यूज नहीं है, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी एक ही चीज होती है। तो ये एक बात है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी वैलिडिटी। तो ये दो टर्म्स यानी क्या, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने ये पार्ट कवर किया है, प्राइमरी डेटा, डिजाइनिंग क्वेश्चनेयर शेड्यूल, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया है कल और आज मिलके। और अभी मैं इस टॉपिक के साथ डील कर रहा हूँ, चेकिंग कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। दिस इज द टॉपिक। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये कंसेप्ट क्या है। आप जब क्वेश्चनेयर बनाते हो, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि आपने जो क्वेश्चनेयर बनाया हुआ है वो सही बना है, इसकी गारंटी क्या है, और वो क्वेश्चनेयर को आप एंडोर्स कर रहे हैं कि ये ठीक बना है, उस प्रोसेस को ही रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। देखिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग को अगर समझाना है एक आदमी की भाषा में, तो आपके हाथ में अगर अभी पेन है कोई, तो वो पेन जो है ये फैक्ट्री में बना हुआ है। ओके, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये बना, और ये प्लांट है दिल्ली में इफ सपोज, और आप यहाँ नागपुर में हैं,
यू आर ए कस्टमर एंड यू आर सिटिंग इन नागपुर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ये पेन आप तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद एक प्रोसेस होती है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है क्वालिटी चेक, QC, क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी चेक, कि ये पेन ठीक से बना है क्या, इसकी टेस्टिंग होती है। और ये टेस्टिंग होने के बाद इसके ऊपर एक स्टैम्प लगता है, टेस्टेड ओके। जब ये स्टैम्प लग जाता है तब जाके ये पेन कमर्शलाइज हो जाता है, यानी क्या, मार्केट में बेचने के लिए परमिशन मिल जाती है। इसी तरीके से आपने जो क्वेश्चनियर बनाया हुआ है घर में बैठ के, ओके, ये आपके घर में आपने क्वेश्चनियर बनाया और ये है आपकी फील्ड जहां पे आप सर्वे करने वाले हो। तो ये क्वेश्चनियर बनाने के बाद तुरंत इसको एडमिनिस्टर नहीं करते, यानी क्या, तुरंत इसका सर्वे नहीं करते, इसके बीच में एक प्रोसेस आती है कि ये क्वेश्चनियर टेस्टिंग की प्रोसेस होती है कि ये क्वेश्चनियर योग्य है क्या फील्ड में एडमिनिस्टर करने के लिए। और इसी प्रोसेस को हम लोग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपका क्लियर है कि आपने जो क्वेश्चनियर बनाया हुआ है उस क्वेश्चनियर, वो क्वेश्चनियर रिलायबल है क्या और वैलिड है क्या, ये चेक करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। और ये होने के बाद हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। देखिए, अगर आप स्टैंडर्डाइज स्केल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टैंडर्डाइज स्केल्स यूज कर रहे हैं तो इस स्टैंडर्डाइज स्केल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। इसका वैलिडिटी का प्रमाण क्या है, ये कितनी हद तक वैलिड है, ये उस बुकलेट में लिखा होता है। और रिलायबिलिटी की मेजर जैसे क्रॉन्सबैक अल्फा या स्प्लिट हाफ अल्फा, ये भी उस बुकलेट में ऑलरेडी मेंशन किए हुए होते हैं। इसलिए जब आप स्टैंडर्डाइज स्केल यूज करते हो तो आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, और ये भी एक एडवांटेज है आपके स्टैंडर्डाइज स्केल यूज करने का। पर अगर क्वेश्चनर आपने खुद बनाया हुआ है तो उसका वैलिडिटी और रिलायबिलिटी करना कंपलसरी है। अभी PhD में कितने लोग ये करते हैं, ये तो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है मुझे। मैंने रियल लाइफ में बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे कि जिसमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी रिसर्च स्कॉलर ने किए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होता है। पर जब आप अच्छी क्वालिटी के जर्नल में रिसर्च पेपर सबमिट करते हो तो वहां से एडिटर्स जो हैं वो रिमार्क भेजते ही है कि आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के मेजर्स को मेंशन नहीं किया हुआ है, काइंडली स्पेसिफाई। अगर ये आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपका जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश नहीं हो पाएगा अच्छी क्वालिटी जर्नल में। तो ये एक मैंडेटरी स्टेप कहलाती है। ये देखिए, ये सिक्वेंशियल स्टेप्स है रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग की। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे जो पार्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका सेल्फ एडिटिंग। सेल्फ एडिटिंग का मतलब है कि आपने क्वेश्चन बनाने के बाद खुद एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अपने आप को पढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है नेम ऑफ द रेस्पॉन्डेंट, आप अपने आप को पूछ रहे हैं कि ये नेम पूछना जरूरी है क्या, नहीं पूछा तो नहीं चलता है क्या। उसके बाद जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, जो भी क्वेश्चन एक सीक्वेंस में आ रहे हैं आप खुद को ही पूछ रहे हो कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है क्या, नहीं पूछा तो नहीं चलता है क्या। अगर पूछ रहे हैं तो इससे जो डेटा आएगा उसका आप क्या करने वाले हैं, क्या सही में आपने जो इंफॉर्मेशन चार्ट बनाया है उस इस की जरूरत है क्या। अगर उस क्वेश्चन के डेटा आपको जरूरत नहीं, उस डेटा का आप कुछ करने वाले हैं तो वो क्वेश्चन फिर कर क्या रहा है, आप उसको इलिमिनेट कर देते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ एडिटिंग के प्रोसेस। सेल्फ एडिटिंग के बाद आती है वैलिडिटी टेस्टिंग। वैलिडिटी टेस्टिंग होने के बाद हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, फील्ड सर्वे जिसको कहते हैं। और फील्ड सर्वे करने के बाद जो डेटा आएगा उस डेटा का हम लोग रिलायबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। तो सिक्वेंस जो है, बात करते वक्त हम लोग जाती है और फिर रिलायबिलिटी की जाती है। ये 5 मुद्दे हैं जो मैं अभी चर्चा करूंगा।
सबसे पहले बात करेंगे रिलायबिलिटी वैलिडिटी, ये कंसेप्ट क्या है, मैंने थोड़ा बहुत तो समझा दिया है और टेक्निकल सेंस में थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेस्ट टू रिड्यूस मेजरमेंट एरर्स, फिर बात करेंगे वैलिडिटी टेस्टिंग की, फिर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्टिंग। तो ये पांच मुद्दों पे अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमारे पास एक 55 मिनट है, तो मुझे लगता है ये डिस्कशन हमारे हो जाएंगे पांचों मुद्दे पे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग, कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आपके रिसर्च करते वक्त जो स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग सर्वे बेसिस पे प्रोजेक्ट में, वो ये है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, फिर टाइटल फिक्सेशन, और फिर हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है आपका रिसर्च डिजाइन का प्लानिंग, उसके बाद आता है क्वेश्चनर डिजाइनिंग, उसके बाद आता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग, और फिर सैम्पलिंग से रिलेटेड डिसीजन, फिर डेटा कलेक्शन एनालिसिस, तो रिपोर्ट राइटिंग। तो ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये कहाँ पे आती है पूरी रिसर्च प्रोसेस में। तो क्वेश्चनर डिजाइन करने के बाद, उसके बाद तुरंत हम लोग करते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। किसका करते हैं? तो क्वेश्चनर का या फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का, रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग किया जाता है। तो बात हो गई सर्वे बेसिस प्रोजेक्ट, सर्वे बेसिस प्रोजेक्ट में क्वेश्चनर या जो शेड्यूल हमने बनाया है उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। और एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग किसका करते हैं? तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, आपकी जो मशीन्स है, उसको आप वैलिडेट करते हो, उसको आप कैलिब्रेट करते हो। तो कंसेप्चुअली चीज़ें वही है, पर सिलेबस में जो दिया गया है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग, ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो सर्वे का दिया हुआ है। देखिए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग का एक कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ इस पर्टिकुलर मॉडल से। ये है आउटकम, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन मीन, या फिर इसको कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड नोन वैल्यूज। जैसे एक पल्स रेट का एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पल्स रेट का स्टैंडर्ड होता है 72 का। मैंने अभी आपको एज ए पेशेंट ट्रीट किया और मैंने आपका एक पल्स काउंट लिया, तो ऑब्वियसली वो एग्जैक्ट 72 कभी नहीं आएगा। एक आध बार बाय चांस आ सकता है, पर वो जनरली नहीं आता है। यदि में कि आप 50 लोग हैं, 50 लोगों को मैंने बोला कि 1 मिनट के लिए पल्स काउंट लीजिए और उसका एवरेज निकालेंगे, तो ये एवरेज इफ सपोज आता है 77, तो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 72 है और ये आ रहा है एवरेज 77, जिसको हम लोग कहते हैं सैंपल का मीन। ये है आपका पॉपुलेशन का मीन, और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं एरर। ये एरर आई है हमारी +5 की। अभी इस एरर को मिनिमाइज करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए रिसर्च स्कॉलर। एज ए रिसर्च स्कॉलर वी ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एरर। एरर जितनी कम होगी उतनी ये दोनों फिगर्स जो है वो कम आए, ये दोनों फिगर्स क्लोज आ जाएंगे। ये एरर सिर्फ एक की होती है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 73 या फिर 71 हो जाएगी, जो डिजायरेबल है। तो ऑब्वियसली ये एरर को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स है स्टैटिस्टिक्स में, और उसमें से एक मेथड है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू हैव चूजन टू ऑपरेट ऑन। और हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग करते क्यों है? तो एरर का जो इन्फ्लुएंस है वो कम करने के लिए हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग जनरली करते हैं। एरर को मिनिमाइज करने के तीन तरीके हैं। आपने क्वेश्चन बनाने के बाद पायलट टेस्ट कर लीजिए। पायलट टेस्ट यानी आपके क्वेश्चन का ट्रायल रन है कि एक कुछ सैंपल, जैसे 30-35 लोगों पे आप आपका क्वेश्चन आंसर करके देखिए, और उसमें से जो फीडबैक आता है वो फीडबैक को इम्प्लीमेंट करके आप क्वेश्चन को फिर से आप रिफाइन कर लीजिए। जब आपका क्वेश्चन रिफाइन फॉर्म में आ जाता है, तो एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं वही हमारे क्वेश्चन को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को हम लोग टेक्निकल सेंस में या स्टैटिस्टिक्स के सेंस में रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। बेसिकली ये पायलट टेस्टिंग वैलिडिटी का एक मेजर होता है। दूसरा एक तरीका है एरर को रिड्यूस करने का, कि वो है अगर आपने फील्ड सर्वेयर्स को अपॉइंट किया है, फील्ड वर्कर्स को अपने अपॉइंट किया सर्वे करने के लिए, तो उनको ट्रेनिंग देना, जिसकी वजह से एरर का इन्फ्लुएंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तीसरी चीज़ है ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, और ये जो यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है यही होता है हमारा रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग।
रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। हम लोग सेक्शन टू में जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वैलिडिटी टेस्टिंग की। सबसे पहले वैलिडिटी आती है और उसके बाद रिलायबिलिटी। तो वैलिडिटी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वैलिडिटी यानी क्या वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये ऐसा आपके साथ जिंदगी में कभी ना कभी तो एक बार हुआ ही होगा कि आप मार्केट में कुछ चीजें परचेस करने के लिए गए हैं, और खास करके जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं या फिर जो हॉकर्स होते हैं, उनके पास ये एक्चुअल वेट ना होते हुए इस प्रकार के पत्थर वो यूज करते हैं वे करने के लिए, चीजों को गिनने के लिए। तो जैसे ही आप देखते हो कि कोई सब्जी वाला तराजू में ये वजन ना रखते हुए ये वजन रख रहा है, ओके, पत्थर रख रहा है, तो आपके मन में शंका तो आ ही जाती है कि भैया ये सही में 1 पाव का है क्या जो आप मेजर कर रहे हो। क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, शंका क्यों आ रही है, क्योंकि ये पत्थर जो है ये वैलिड मेजर नहीं है। वैलिड का मतलब क्या है, ये पत्थर जो दुनिया में आया है उसको काम जो असाइन किया गया है वो कुछ दूसरा है। वो घर बनाते वक्त शायद ये पत्थर काम में आ सकता है, या फिर ये ग्रेवल लग रहे हैं तो सजावट के काम में आ जाएंगे। इसका रोल कुछ और है, ये मेजरमेंट के लिए तो डेफिनेटली नहीं बना है। ज्यादा ज्यादा आप इसको पेपर वेट करके यूज कर सकते हैं, पर ये गिनने के लिए तो बना नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड मेजर। पर जैसे ही आप ये चीज देखते हो तराजू में, तो आपके मन में शंका नहीं आती है, क्योंकि ये चीज इसी के लिए बनी है। ये जो दुनिया में आया है, ये दुनिया में इसीलिए आया है कि वो मेजरमेंट इससे ले सके। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज वैलिड मेजर। और इसका ना टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका होता है, इस पे ISI मार्क वगैरह सब, ये जो टेस्टिंग होता है इसका, ये सब ऑलरेडी हो चुका होता है, इसलिए हम लोग इसको वैलिड मेजर कहते हैं। देखिए, वेइंग मशीन जो है ये वेट करने के लिए एक वैलिड मेजर है। ये जो मशीन आपको दिख रही है, ओके, इसका काम ही है वेइंग मशीन का वेट करना, इसलिए ये एक वैलिड मेजर माना जाता है। पर आप थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते हो वेट गिनने के लिए, क्योंकि आपका थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने का वैलिड मेजर है, पर वेट करने का वैलिड मेजर नहीं है। सो वैलिडिटी यानी क्या, वैलिडिटी एड्रेसेस द इश्यू ऑफ वेदर एन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट सेट्स आउट टू मेजर, कि आपके इंस्ट्रूमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करना था क्या वो मेजर कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन डिजाइनिंग करते वक्त आपको व्हाट सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपको मेजर क्या करना है, जिसमें आपने V1 V2 V3 अप टू VI आइडेंटिफाई कर लिए, C1 C2 C3 आपने अप टू CI आइडेंटिफाई कर लिए। ये तो इश्यू हो गया आपको क्या मेजर करना है, ओके। अभी बात हो रही है इस तरफ है आपका इंस्ट्रूमेंट यानी क्वेश्चनेयर, और इस क्वेश्चनेयर में है बहुत सारे क्वेश्चंस, ओके, क्वेश्चन 1 2 3 अप टू QI, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अभी वैलिडिटी यानी क्या, आपको ये मेजर करना है, तो क्या आपका क्वेश्चनेयर यही चीजें मेजर करके दे रहा है, यही सब चीजें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है क्या, ये जानने की प्रोसेस को ही वैलिडिटी कहते हैं। अगर आपका यही क्लियर नहीं है तो जो भी क्वेश्चनियर बनेगा वो इनवैलिड ही रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। समझ में आ रहा है शायद अभी आपको, यानी मीन इसीलिए ये व्हाट डिफाइन करना जरूरी है कि आपको मेजर क्या करना है, और आपका इंस्ट्रूमेंट वही चीज मेजर करके दे रहा है क्या। जैसे आपको एटीट्यूड मेजर करना है कि आपने वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स बोला है एटीट्यूड, पर एटीट्यूड को लेके यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन बताइए, ऐसा कोई चीज जैसे पर्सनालिटी को लेके आपने क्वेश्चन पूछ लिया, पर पर्सनालिटी तो आपको मेजर ही नहीं करनी है। और ये रियल लाइफ में होता है प्रॉब्लम, कि जिनको ये कंसेप्ट ही नहीं मालूम कि वेरिएबल कंस्ट्रक्ट्स क्या है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है, तो क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है। और मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए कि ये सही है क्या, वैलिडिटी टेस्टिंग किया हुआ है। और मैं हर बार देखता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है मेरे पास क्वेश्चनर आया है उसमें मैंने
नहीं निकाल। और ज्यादा गलतियां तो इतनी सारी निकलती है, और गलती मेजर यही होती है कि भाई तेरे को मेजर क्या करना है, तुम क्या कर रहा है। तो जो चीज आपको मेजर करनी थी कि आपका क्वेश्चन है, वही चीज मेजर करके देने में हेल्प कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें है क्या, ये जानने की प्रोसेस को ही आप वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। और ये वैलिडिटी जो है लोग रिफ्लेक्ट करते हैं एक नंबर से, डिग्री जिसको कहते हैं, और ये जनरली 90% माना जाता है कि आपका क्वेश्चन 90% से नीचे नहीं होना चाहिए। 90% के ऊपर अगर वैलिडिटी आती है तो ये आपका क्वेश्चनर ओके टेस्टेड का स्टैंप इस पे लगता है। अब ये 90% कहाँ से आता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ICBI और SCBI की वैल्यूज लगती हैं, और इसमें ACP एवरेज कंक्रेंसी परसेंटेजेस ये निकालने होते हैं, ये जानने के लिए कि आपका क्वेश्चनर ओके टेस्टेड है क्या। जब तक ये स्टैंप नहीं लगेगा आपके क्वेश्चनर पे, आपका क्वेश्चनर वैलिडेट नहीं होगा और आपका क्वेश्चन फॉल्टी ही माना जाएगा। वैलिडिटी यानी क्या? वैलिडिटी यानी एक्यूरेसी। आपका इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेटली मेजरमेंट करके दे रहा है वो जानने का प्रमाण यानी वैलिडिटी टेस्टिंग होता है। वैलिडिटी करने से पहले एज अ रिसर्च स्कॉलर आपको कुछ खुद को ही कुछ 5 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, वो ये हैं। सबसे पहले आपको पूछना है कि आपका क्वेश्चनर वो मेजर करके दे रहा है क्या जो आपने मेजर करना है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एडिटिंग। सेल्फ एडिटिंग में हम जो नॉन इसेंशियल क्वेश्चन है उसको हम लोग डिलीट करते हैं या इलिमिनेट कर देते हैं सीधा सीधा। दूसरा, आपका क्वेश्चनर आपके टारगेट पॉपुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट है क्या? अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, खास करके लैंग्वेज को लेके, आपको फार्मर्स का स्टडी करना है और आपने इंग्लिश भाषा में अगर क्वेश्चनर बनाया है तो वो इनवैलिड कहलाएगा, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है आपके टारगेट पॉपुलेशन के लिए। इवन जो क्वेश्चनर में आप टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट, टेक्निकल जार्गन्स कुछ यूज कर रहे हैं जो रेस्पॉन्डेंट को समझ में नहीं आ रहे, इवन इन दैट केस योर क्वेश्चनर इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड। तीसरा है, आपका क्वेश्चनर कॉम्प्रहेंसिवली पूरे के पूरे वेरिएबल्स को एड्रेस कर रहा है क्या? आपने V1, V2, V3 अप टू VI ये वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, और हो सकता है कि आपके ये 15 वेरिएबल्स, क्या पूरे के पूरे 15 वेरिएबल्स आपके क्वेश्चनर में एड्रेस हो रहे हैं क्या? अगर ये नहीं हो रहे, इवन सिर्फ 7 ही वेरिएबल्स आपके एड्रेस हो रहे हैं क्वेश्चनर में, तो भी आपके क्वेश्चनर को इनवैलिड कहा जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रेहेंसिवली आपने पूरे के पूरे वेरिएबल्स को कवर नहीं किया है। उसके बाद आता है आपके अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स, कि आपने वेरिएबल को लेके, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है, आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है टू कंप्यूट एवरेज इनकम। ये आपका एवरेज इनकम ऑफ रेस्पॉन्डेंट, ये आपका एक ऑप्शन, तो इसमें वेरिएबल है एवरेज इनकम। अभी आपको मालूम है कि इनकम को लेके क्वेश्चन तो पूछना ही है, और आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर मंथली ग्रॉस इनकम, व्हाट इज योर मंथली ग्रॉस इनकम, और आपने चॉइसेस दे दिए 0 to 20,000, ऑप्शन बी आपने दिया 20 to 40,000, ऑप्शन सी आपने दिया 40 to 60,000, और ऑप्शन डी दिया आपने अबो 60,000। अभी आपके ऑब्जेक्ट में वेरिएबल है V1 एवरेज इनकम, उसको आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछ के, पर फिर भी आपने इनकॉर्पोरेट तो किया है वेरिएबल, पर क्या वो राइट कॉन्टेक्स्ट में है? आपको निकालना क्या है? एवरेज। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा, रेस्पॉन्डेंट, इफ सपोज आपका 500 का सैंपल है, तो कोई ए पे टिक करेगा, कोई बी पे, इसमें एवरेज नहीं निकल पा रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या आएगी कि 500 में से ए वाले, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं और डी वाले कितने हैं। ये हमको करना था क्या? हमको तो एवरेज इनकम निकालना है। आपने वेरिएबल भले ही क्वेश्चनर में इनकॉर्पोरेट किया है, पर क्या वो राइट कॉन्टेक्स्ट में किया है?
इनकम तो इनकॉर्पोरेट हो चुका है पर एवरेज नहीं निकल पा रहा है, योर क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड। आपको इसके लिए क्वेश्चन पूछना होगा, व्हाट इज योर मंथली इनकम, व्हाट इज योर मंथली इनकम, और इसमें आपको ऑप्शंस नहीं देने हैं, ये ओपन एंडेड न्यूमेरिक होना चाहिए। तो जो भी है रेस्पोंडेंट यहाँ पे वो लिखेंगे तब जाके तो इसका एवरेज निकलेगा। 500 ऐसे रिस्पॉन्सेस आ जाएगा आपके पास नंबर में, तब जाके इसका एवरेज निकलेगा। यानी क्या सिर्फ वेरिएबल इनकॉर्पोरेट करके नहीं होता है क्वेश्चनेयर में, वो राइट कॉन्टेक्स्ट में होना भी जरूरी है, और आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपको उस वेरिएबल को लेके करना क्या है, एनालिसिस क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ वैलिडिटी टेस्ट कैसे करते हैं और वैलिडिटी के टाइप्स हैं। अच्छा कपिल सर बोल रहे हैं कि मेरी स्क्रीन यार हैंग हो चुकी है, आप सर सबको वो नहीं दिख रही ए क्या जो मैं? आपने बताया था ना जी, सर अब हाँ चेंज हो गई सर, वो 0 to 20,000 हुआ था ना, उसके हाँ आगे का कुछ हुआ ही नहीं, अब चेंज हुआ टाइप, अब चेंज हो गई सर, उन्हें हाँ आपने खुद से लिखे थे सर 0 to 20,000, हाँ हाँ ठीक है ना, उसके देन बाद मैंने बी। ऐसे भी स्क्रॉल नहीं किया था कुछ, अभी ठीक है सर? हाँ हाँ टाइप्स वो ऑफ नहीं सर, आप लिखते भी, हाँ, अब बराबर है सर, ठीक है, मैं थैंक यू आगे सर। बढ़ता हूँ। ओके अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग के, कि वैलिडिटी टेस्ट कैसे करते हैं। उसकी मुख्यतः दो मेथड्स होती है, एक होता है एक्सपर्ट पैनल मेथड और दूसरा होता है फील्ड टेस्टिंग। दोनों में समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं एक्सपर्ट पैनल के। एक्सपर्ट पैनल में पहली मेथड है जिसको कहते हैं एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज। ये मैं समझा देता हूँ आपको, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बड़ी आसान सी मेथड है, ACP कहते हैं इसको, एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज। अभी इसमें क्या करना है आपको, ये एक्सपर्ट पैनल की मेथड है, तो आपको एक एक्सपर्ट का पैनल अपॉइंट करना है। अपॉइंट करना है ना, आपको एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स कितने होने चाहिए, तो वो 3 से 10, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 एक्सपर्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट कौन होने चाहिए उसको लेके भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है। ये एक्सपर्ट वो होने चाहिए कि जिन्होंने कम से कम 10 रिसर्च पेपर्स ABDC लिस्ट में पब्लिश किए हुए हो, ABDC या फिर स्कोपस में, और वो भी सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट जिन्होंने पब्लिश कर लेने चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपर्ट माना जाएगा। तो ऐसे लोग आपको ढूंढने हैं कम से कम 3 से 10, और इनको अपॉइंट करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि हमने 3 एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, एक्सपर्ट 1, 2 और 3, 3 लोगों को आपने अपॉइंट किया। उसके बाद आपने इन एक्सपर्ट्स के पास आपका जो सिनॉप्सिस है, वो सिनॉप्सिस की कॉपी, उसके साथ साथ आपने जो इन्फो नीड चार्ट बनाया हुआ है, अभी जो मैंने बताया आपको इन्फो नीड चार्ट, उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स V1 V2 V3, लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट C1 C2 C3, आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके हाइपोथेसिस, ये चीजें का एक बुक बना के आप ये तीनों हैंडओवर कर देंगे तीनों एक्सपर्ट्स को, और इनको आप एक समय देंगे, वो समय कुछ 1 हफ्ते से 15 दिन तक का हो सकता है, और इस समय में ये सब और आपके क्वेश्चनेयर को, जैसे आपने क्वेश्चनेयर बनाया है इनको क्वेश्चनेयर की करनी है, उसके कॉपी सबके साथ आप इनको हैंड ओवर कर देंगे, और ये आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, और ये आपको एक परसेंटेज देंगे कि कितनी हद तक ये सब वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स आपके क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट हुए हैं ऐसा इनको लग रहा है, उसका एक परसेंटेज देंगे। परसेंटेज आप यहाँ पे ले लेंगे, कोई बोलेगा 80%, कोई बोलेगा 95% तक मुझे ठीक लग रहा है, कोई बोलता है कि यार मुझे, ये आने के बाद आप इसका एक एवरेज निकाल लेंगे, इसको कहते हैं हम लोग ACP, और चेक
ये एसीपी जो है क्या ये लेस देन 90% आ रहा है या फिर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90% आ रहा है? अगर ये एसीपी यहाँ पे है, आपका क्वेश्चनर वैलिडेट नहीं हुआ है। अगर ये अचीव हुआ है एसीपी, तो आपका क्वेश्चनर वैलिडेट हो चुका है बाय द मेथड ऑफ एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज मेथड ऑफ एक्सपर्ट पैनल। अगर ये हो रहा है आपके साथ कि 90% से नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप इसके पास जाएंगे जिसने सबसे कम रेटिंग दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज ये दोनों का एवरेज 90 आ रहा है, आप इनके पास जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लग रहा है कि कौन से वेरिएबल है या कौन से वेरिएबल्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, और वो आपको जो सजेशंस देंगे उसके बाद आप वो सजेशन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और ये बातें से आप फ्रेश परसेंटेज सीख कर लेंगे। और वो बोलेगा कि अभी मैं 100% से अभी इसका एक फ्रेश एवरेज निकाल लीजिए, वो जो फ्रेश एवरेज आएगा वो ऑब्वियसली 90% आएगा, तो आपका क्वेश्चन वैलिडेट हो जाएगा। सिंपल सी मेथड है। दूसरी मेथड वैलिडेट कहते हैं। सीबीआई में दो मेथड से, एक होती है आईसीबीआई और दूसरी एसबीआई। दो मेथड्स में समझा रहा हूँ, ये मैंने रेफरेंस भी दिया है यहाँ पे। मॉर्टुसा, इन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया है और प्रपोज भी किया था। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ आईसीबीआई की। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल आइटम, और जो लिकर्ट स्केल लोग यूज करते हैं, लिकर्ट स्केल के तो वैलिडेट करने के लिए ये मेथड्स यूज की जाती है। तो इसमें जो इंडिकेटर्स या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है, हेलो, सर गॉट डिस्कनेक्टेड। यस, हेलो सर। मैडम आवाज येतोय का माझा? हो सर, दो डिस्कनेक्ट झाल्या सारखं होतं। आता मी परत प्रेझेंटरचं राईट्स दिले आहेत। ओके मॅडम। दिसतंय का मॅडम स्क्रीन? हो सर, येत आहे, प्रोसेस चालू आहे। नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे होतं सर। हाँ बहुतेक, किंवा हे बरेच दिवसात अपडेट नाही केला ना कम्प्युटर, माझा बंदच होता बरेच दिवसात कम्प्युटर, ते काही हो कुठे असू सर, शकतं करायचे। आता दिसतंय मॅडम स्क्रीन? नाही सर अजून। हां, आता आलं आले सर। ओके मी कंटिन्यू करतो मॅडम। हो, तो मैं ये दो मेथड समझा रहा हूँ आपको, आईसीबीआई और आपका एससीबीआई। पहले आईसीबीआई की बात करते हैं। ये भी एक्सपर्ट पैनल वाली ही मेथड है, और आपका जो लिकर्ट का स्केल है, जैसे मैंने एटीट्यूड का आपको स्केल दिखाया था जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, आइटम्स 1 2 3 4 5 अप टू 7 आइटम्स। तो आप हर एक आइटम पे, हर एक स्टेटमेंट जो है हमारा, उसकी रेटिंग ले रहे हैं 1 to 4 में आपके एक्सपर्ट से, में जिसमें 1 स्टैंड्स फॉर नॉट रिलीवेंट आइटम, दूसरा 2 की रेटिंग आप ले रहे हैं समवॉट रिलीवेंट के लिए, 3 रिप्रेजेंट करेगा रिलीवेंट आइटम और 4 जो है वो वेरी रिलीवेंट। एंड वी शुड स्ट्राइव फॉर कि आपके एक्सपर्ट ने ये 2 रेटिंग देनी चाहिए। अगर ये 2 आ रही है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 7 आइटम्स है कंज्यूमर एटीट्यूड को डिफाइन करने के लिए, लिकर्ट स्केल है ये एक्चुअली, और आपने 7 आइटम्स पूछे हैं। तो आप हर आइटम का 1 to 4 में रेटिंग ले रहे हैं, हर आइटम का 1 to 4 में रेटिंग ले रहे हैं हर एक एक्सपर्ट से। इफ सपोज आपने 5 एक्सपर्ट अपॉइंट किए हैं, तो अभी आपको ये चेक करना है कि हर एक्सपर्ट ने हर एक आइटम को रेटिंग क्या दिया है 1 to 4 में। तो आप चेक करेंगे, जैसे मेरे पास 5 एक्सपर्ट्स हैं, तो 5 में से 4 एक्सपर्ट ने आइटम नंबर 1 को 3 या फिर 4 का रेटिंग दिया है। तो मेरा सीवीआई स्कोर हो जाएगा 4 out of 5 इज 0.8, 0.8, ये हो गया आइटम नंबर 1 का। उसी तरीके से आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, हमारे पास टोटल 7 आइटम्स है, यानी क्या हमारे पास 7 आई सीवीआई आएंगे।
और हर एक, जैसे आइटम नंबर वन का हमारा 0.8 आया है, इफ सपोज दूसरे का आता है 0.92, इस तरीके से आप ICBI निकाल रहे हो और आप चेक करेंगे कि ये ICBI अगर 0.78 के ऊपर है तो ही ये आइटम वैलिडेट माना जाएगा। अगर ये रेटिंग इफ सपोज यहाँ पे 0.64 का दिया है ICBI, तो आप इस आइटम को इलिमिनेट कर देंगे आपकी स्केल से, क्योंकि ये वैलिडेट नहीं हुआ है। ये हो गया ICBI के बारे में। अभी मैं बात कर रहा हूँ SCBI। S का मतलब है कंपोजिट टोटल स्केल का, S स्टैंड्स फॉर स्केल। इसमें फंडा वही है, एग्जाम्पल देख लेंगे आप। ये देखिए मेरे पास 10 आइटम्स हैं और मैंने 6 एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है, और मैं इनको पूछ रहा हूँ कि इनको ये वैलिडेट लग रहा है क्या। आइटम नंबर वन को लेके एक्सपर्ट वन बोल रहा है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है आइटम, और बाकी एक्सपर्ट ने इसको ओके कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये नंबर ऑफ एग्रीमेंट चेक करेंगे कि 6 में से 5 जो है वो एग्री है इस आइटम को लेके, दिख रहा है आपको। तो इसका आइटम CBI यानी ICBI कितना हो जाएगा, 6 में से 5। तो 6 में से 5 का मतलब है 0.83, ये हो गया इसका ICBI। ऐसा ही आप हर एक आइटम का ICBI निकाल लेते हैं और उसका यहाँ पे कंपोजिट एवरेज लेते हैं। ये एवरेज आ रहा है 0.9 और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0.78। अगर ये कंपोजिट जो एवरेज है ये अगर 0.78 के ऊपर आता है, तो हम लोग बोलेंगे हमारा ये पूरा का पूरा स्केल जो है ये वैलिड है। और आप आपके रिसर्च पेपर में या थीसिस में लिख देंगे कि आपका इसका SCVI जो है वो इतना आया है, 0.9, दैट इज वाई योर क्वेश्चनर इज वैलिडेटेड। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं फील्ड मेथड वैलिडिटी टेस्टिंग की। इसमें 3 मेथड्स है, एक होती है कंटेंट वैलिडिटी, दूसरी क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और तीसरी होती है कंस्ट्रक्ट। और क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी हम एकेडमिक रिसर्चर्स इसको नहीं करते हैं, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की। तो कंटेंट वैलिडिटी में एक प्रकार होता है फेस वैलिडिटी। कंटेंट यानी क्या, आपके क्वेश्चंस, आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सही है क्या, ओके, वो करने की प्रोसेस को ही कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। और उसमें ही एक प्रकार होता है जिसको फेस वैलिडिटी कहते हैं। और आपने क्वेश्चन बनाने के बाद जनरली आप आपके सुपरवाइजर को दिखा देते हो कि सर एक बार देख लीजिए, तो आपके सुपरवाइजर उसमें कुछ क्वेश्चंस निकाल देते हैं, कुछ ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसी को फेस वैलिडिटी कहा जाता है। इसमें कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं आता है, आप सिंपली लिख देंगे कि फेस वैलिडिटी थ्रू सुपरवाइजर आपने किया है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्राइटेरिया हम लोग ये नहीं करते हैं, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी बात करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसमें EFA और CFA किया जाता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, और CFA स्टैंड्स फॉर कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ये चीजें थोड़ी बड़ी है, छोटे समय ये हो नहीं सकता, आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, जिसमें दो प्रकार आते हैं, एक होती है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरी होती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। और ये फैक्टर एनालिसिस से जनरली होता है, EFA और CFA से। पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी की। जैसे आपने अभी कंज्यूमर एटीट्यूड, ये कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करने के लिए आपने 7 आइटम्स बनाए, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, 5, 6 और 7। मैं मतलब समझा रहा हूँ कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी का। कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब है कि क्या ये पूरे 7 आइटम्स क्या इसी को डिफाइन कर रहे हैं? ऐसी तो बात नहीं कि एटीट्यूड मेजर करते वक्त इसमें से कोई एक ऐसा आइटम है जिसका एटीट्यूड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो चेक करने की प्रोसेस को कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, और इसके लिए हम लोग जनरली फैक्टर लोडिंग्स निकालते हैं। इसमें 3 चीजें आती है, मैं बता देता हूँ आपको। ये फैक्टर लोडिंग्स निकालते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं भी समझ में आया तो भी चल जाएगा, पर जिनको समझ में आ रहा है ना, ये बहुत फतेह की बात कर रहा हूँ मैं, पर मुझे बताना ये जरूरी लगता है। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, पर वैलिडिटी टेस्टिंग की बात हो रही है तो ये बताना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ज़रूरी है। तो ये स्मार्ट PLS से हम लोग करते हैं, स्मार्ट PLS नाम से सॉफ्टवेयर
आता करता है। और फैक्टर लोडिंग जो क्रॉसबैक अल्फा से रिप्रेजेंट होती है, और उसमें एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड जो 0.5 के ऊपर होना चाहिए, और इसके लिए और ये है सीरियल, और इसमें आखिर जीरो है का ये पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन है, ये वैलिडेट है ऐसा प्रतीत होता है इससे, पर इसके लिए ऐसा काम नहीं है, इसके लिए दिखता होता है होते हैं। इसके बाद इसके बाद मतलब है कि आपने ये सब जो कंस्ट्रक्ट्स बनाया है इसका आपस में वो रिलेशन कितना है वो जानने की कोशिश होती है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में क्या ये तीनों कंस्ट्रक्ट एक दूसरे से अलग है, ऐसा तो नहीं कि इसमें आपस में हाई कोरिलेशन है और इसमें आपस में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए आइडियली, तो ये जानने की प्रोसेस को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं कि क्या आपके रिस्पोंडेंट सभी कंस्ट्रक्ट को डिस्क्रिमिनेट या डिफ्रेंशिएट कर पाने में सफल है, वो जानने की प्रोसेस को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। और इसके लिए दो मेजर्स आते हैं जिसमें पहला होता है फॉर्नर लार्कर क्राइटेरिया और दूसरा होता है HTMT जिसको होमोटेट मोनोटेट क्राइटेरिया कहते हैं, और ये आप स्मार्ट गिरे से जनरली करते हो। तो ये हो गया वैलिडिटी टेस्टिंग के बारे में। अभी मैं लास्ट सेक्शन में हूँ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिलायबिलिटी टेस्टिंग की। रिलायबिलिटी टेस्टिंग कब करते हैं, तो आपका डेटा कलेक्शन हो जाने के बाद, आपने यू सपोज 300 का सैंपल साइज लिया हुआ है, आपका सैंपल साइज 300 का है और आपने सर्वे ये पूरे 300 का कर लिया है, उसके बाद हम लोग रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। बात करते हैं रिलायबिलिटी यानी क्या, तो रिलायबिलिटी इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन मेजरिंग द डिफाइंड कंस्ट्रक्ट रिपीटेटिवली। रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, एक एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो जनरली, अभी कोविड की वजह से पिछला एक साल छोड़ दीजिए, पर उससे पहले के अनुभव अगर आप ध्यान में रखते हो, तो जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे वेइंग मशीन ओके, और आप क्वार्टर लेते हो और आप वेट लेते हो, गेटिंग मी, आपने 1 रुपए का कॉइन डाला और वेट आया आपका, और वो वेट इफ सपोज ये है 64 kg, आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन फिर से एक बार कॉइन डाला और फिर से आपने आपका खुद का ही वेट किया, ये हो गया वेट वन, मैं इसको बोल रहा हूँ सेकंड ट्रायल, और आपने फिर से ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपने फिर से तीसरी बार करके देखा, यानी मशीन वही है, जिस आदमी का मेजरमेंट लेना है वो आदमी भी वही है, गेटिंग मी, अगर इस मशीन से एक ही आदमी का मेजरमेंट 3 बार अगर आप लेते हो और तीनों बार ये अगर रीडिंग्स अलग अलग आती हैं, तो ये मशीन जो है ये रिलायबल नहीं मानी जाएगी। अगर विद अ टॉलरेंस ऑफ एरर ये मेजरमेंट अगर 64, 64, 63 ऐसा दिखाता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यार इतना टॉलरेंस तो ठीक है, रीडिंग में, तो ये मशीन को हम लोग कहेंगे रिलायबल है। रिलायबल यानी क्या, कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे ये वेइंग मशीन इज अवर इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी आर मेजरिंग द डिफाइंड वेरिएबल, तो आपका इंस्ट्रूमेंट रिलायबल जानने की जो प्रोसेस है उसमें हम लोग रिपीटेटिवली मेजरमेंट लेते हैं, खास करके जब एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, और जो साइंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर्स अभी जुड़े होंगे, तो आप बहुत बार आपने देखा होगा कि आप ट्रिपलेट पे काम करते हो, यानी एक ही चीज 3 बार मेजर करते हो और उसका एवरेज लेते हो, क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट पे क्यों काम कर रहे हो, 3 बार क्यों ट्रायल ले रहे हैं आप, क्योंकि
इसलिए क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल है या नहीं है वो जानने के लिए हम लोग ये चेक करते हैं घड़ी में. सो रिलायबिलिटी इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन मेजरिंग द डिफाइंड वेरिएबल रिपीटेटिवली. अगर वो कंसिस्टेंटली सेम चीज प्रिसाइजली मेजर करके दे रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, तो आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है. इट इज सो सिंपल. तो आपका क्वेश्चन है रिपीटेटिव मेजरमेंट के बाद आपको सेम आंसर दे रहा है क्या, वो प्रोसेस को हम लोग रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी कहते हैं. सो रिलायबल इज फोर अबाउट ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, और आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिपेंडेबल है क्या. सो इट इंडिकेट्स बेसिकली द कंसिस्टेंसी इन मेजरिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. बात करते हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग की मेथड्स की, कि रिलायबिलिटी मेजर कैसे करते हैं. ये बेसिकली ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ही रिलायबिलिटी मेजर की जाती है. इसमें तीन मेथड्स हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं. पहली मेथड है आपकी रिपीटेबिलिटी, दूसरी मेथड होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी, और तीसरी होती है इक्विवेलेंस, जो हम लोग जनरली नहीं करते हैं. एज यू कैन सी हम लोग ये दो मेथड पे बात कर रहे हैं, रिपीटेबिलिटी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी. और इसमें रिपीटेबिलिटी में बात होती है टेस्ट रिटेस्ट मेथड की, और इंटरनल कंसिस्टेंसी में बात होती है स्प्लिट हाफ मेथड की. मैं तीनों समझा देता हूँ आपको. ये देखिए, ये है आपकी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें बात हो रही है रिपीटेबिलिटी की, जिसमें एक मेथड है जिसको टेस्ट रिटेस्ट मेथड कहते हैं, और दूसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिसमें तीन मेथड है. पहली मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड, दूसरी ऑल्टरनेट फॉर्म या इसको पैरेलल फॉर्म मेथड भी कहते हैं, और तीसरी होती है क्रॉस कट अल्फा. तो ये चारों मेथड 1 2 3 4, ये चारों मैं अभी समझा रहा हूँ, और फिर मेरा सेशन आज का खत्म हो जाएगा. पहले बात कर रहे हैं हम लोग टेस्ट रिटेस्ट मेथड की. एक एग्जांपल से समझा देता हूँ. देखिए, आपने हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट रिटेस्ट मेथड की. आपने आपका सर्वे फॉर्म बनाया, ओके, और आपने एक पायलट टेस्ट की. पायलट टेस्ट के लिए हमने लगभग एक 50 लोगों का सर्वे किया वो फॉर्म को लेके, ओके. अभी आपने टाइम पॉइंट वन, यानी कि यहाँ से सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 1 मार्च को, 1 मार्च 2021 को हमने 50, या फिर आपका सैंपल साइज सपोज 500 का है, आपने 500 लोगों से आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करा लिया. में आपने 500 लोगों से आपका सर्वे फॉर्म फिलअप कर लिया, फिर आपने एक टाइम गैप जाने दी. कि ये जो आप लोग हैं ये जाना चाहिए, उसने क्या फॉर्म ये होगा. पास वेरिएबल का नंबर वो से जनरेट वाला नंबर की सारा आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम के 7 आइटम्स को लेके आपके पास 2 रेस्पॉन्सेस हैं. ये है टाइम वन और टाइम टू. टाइम वन को लेके वो रेस्पॉन्डेंट ने रेटिंग. हाँ सर, सर योर वॉइस इज बफरिंग, इट्स नॉट लाइक यू नो क्लियर, वी आर नॉट एबल टू आउट हियर यू आउट. ओके, लेट मी चेक सर, देर मस्ट बी सम कनेक्टिविटी इश्यू. सर अभी क्लियर है क्या? थोड़ा सा या योर वॉइस इज मैं थोड़ा खिड़की के पास आ चुका. ओके, थोड़ा खिड़की मैंने और ओपन कर दिया है. ओके, तो मैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड समझा रहा हूं, जिसमें कंज्यूमर एटीट्यूड की जो स्केल है, जिसमें 7 आइटम्स है,
उस पे आपने दो टाइम पॉइंट्स पे डेटा लिया है सेम रेस्पोंडेंट से. ओके, अभी ये आइटम वन को टाइम नंबर वन पे टू का रेटिंग दिया था एक रेस्पोंडेंट ने, और दूसरे टाइम पॉइंट पे इसको तीन का दिया है ना. क्या आपके पास जो डेटा आ रहा है वो पेयर डेटा आ रहा है टाइम पॉइंट वन और टाइम पॉइंट टू पे, मीनिंग में रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 500, इनके रेटिंग्स यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं पेयर डेटा के फॉर्म में. इसका इवेंचुअली आप निकाल लेंगे कार्ल पियर्सन का आर, और ये आर आप चेक करेंगे कि कितना आ रहा है. आपको भी मालूम है कि आर की वैल्यू जनरली -1, 2+1 के बीच में होती है. कि अगर ये आर 0.7 के ऊपर आ रहा है तो आप बोलेंगे कि आपका क्वेश्चनियर रिलायबल. अगर ये 0.7 से नीचे आ रहा है तो आप बोलेंगे आपका क्वेश्चनियर रिलायबल नहीं है. सो दिस इज अबाउट टेस्ट रीटेस्ट मेथड. नाउ वी आर ऑन टू सेकंड मेथड, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल फॉर्म की. पैरेलल फॉर्म में क्या हो रहा है कि आपने क्वेश्चनियर जो बनाया है सर्वे फॉर्म, इसके दो सेट बनाए हैं, फॉर्म वन और फॉर्म टू. इसमें वेरिएबल्स वही है, वेरिएबल्स वही है, सिर्फ आपने ड्राफ्टिंग हल्का सा चेंज कर दिया है. कैन की जगह कुड यूज किया है, मे की जगह माइट यूज किया है, पर हल्के से आपने कुछ ड्राफ्टिंग में चेंजेस किए हैं क्वेश्चनेयर के, पर दो फॉर्म से. अभी आपने सिंगल टाइम पॉइंट पे 500 लोगों का सर्वे किया. जब आप रेस्पोंडेंट नंबर वन के पास गए तो उसको, ये रेस्पोंडेंट को आपने दोनों फॉर्म एक साथ दे दिए और ये दोनों को आप फिलअप करने के लिए बोल रहे हैं. ऐसे 500 रेस्पोंडेंट का आपने सर्वे किया. अभी इवेंचुअली होगा क्या, आपके पास फिर से दो डेटा पॉइंट्स आएंगे, रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2 अप टू 500, और डेटा क्या आ रहा है, फिर से पेयर्ड डेटा आ रहा है. ये है फॉर्म वन, फॉर्म वन का डेटा और फॉर्म टू का डेटा. और यहाँ पे आप इवेंचुअली निकाल लेंगे कार्ल पियर्सन का आर, कार्ल पियर्सन का आर. अगर ये फिर से रूल वही है 0.7 के ऊपर अगर ये जाता है कार्ल पियर्सन का आर, तो आप कहेंगे आपका क्वेश्चनियर जो है वो रिलायबल है, अदरवाइज नहीं है. सो दिस इज अबाउट पैरेलल फॉर्म, और इसी को ऑल्टरनेट फॉर्म मेथड भी कहते हैं. उसके बाद आता है स्प्लिट हाफ मेथड. स्प्लिट हाफ में क्या हो रहा है, लेट मी चेक कि मेरे पास कोई है क्या, इससे समझा देता हूं मैं आपको. स्प्लिट हाफ में क्या हो रहा है कि आपके पास एक लिकर्ट स्केल है, और लिकर्ट स्केल में सपोज कंज्यूमर एटीट्यूड की, और लिकर्ट स्केल में आपने 1, 2, 3, 4 अप टू ऐसे 10 आइटम्स लिए हैं. तो इसको ना आप, ये जो 10 आइटम्स है इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 अप टू 10, ऐसे दो सेट हो गए. यानी एक कंज्यूमर एटीट्यूड को लेके जो 10 आइटम्स थे या 10 क्वेश्चंस थे उसके आपने दो टुकड़े कर लिए, और इसके जो रेस्पॉन्सेस आए हैं 1 to 5 की रेटिंग में वो ऑब्वियसली दो सेट हो जाएंगे. रेटिंग में ये एक तरीका हो गया. या फिर आप इस 10 आइटम्स को दो इक्वल टुकड़ों में कैसे डिवाइड करेंगे, एक तो इवन वाले आइटम एक तरफ और ऑड वाले क्वेश्चंस के स्कोर्स एक तरफ, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरीके से एक सेट हो गया, और इवन वाले का अलग से सेट हो गया 2, 4, 6. फिर से आपके पास इस तरीके से पेयर्ड डेटा आएगा. एज यू कैन सी पेयर्ड डेटा आ रहा है आपका. ओके, ये आपके रेस्पोंडेंट्स है, ये 12 रेस्पोंडेंट का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने करके देखा था. तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने फिर ये कार्ल पियर्सन का आर निकाल लिया, जिसमें एक्सेल में फंक्शन है कोरेल का, और ये मैं चेक करूंगा आर 0.7 के ऊपर है क्या. अगर ये 0.7 के ऊपर आ रहा है तो मैं कहूंगा कि मेरा क्वेश्चनियर जो है वो रिलायबल है, अदरवाइज नहीं है. उसके बाद एक आखिरी मेथड है जिसको कहते हैं क्रॉन्सबैक अल्फा मेथड. ये सबसे उच्च कोटि की मेथड है और ये सब लोग यूज करते हैं, और ये रादर कंपलसरी है आज की डेट में. इसका रिपोर्टिंग मैंडेटरी होता है क्रॉन्सबैक अल्फा का, रिलायबिलिटी का मेजर करके. तो ये मैं समझा देता हूँ आपको कंसेप्ट क्या है क्रॉन्सबैक अल्फा. तो देखिए, क्रॉन्सबैक इज नथिंग बट इट इज एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल स्प्लिट हाफ्स. अभी हमने क्या किया स्प्लिट हाफ मेथड में, हमने हमारे पास जो 10 आइटम्स थे 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10 ये मेरे पास 10 आइटम्स थे। मैंने पहली बार क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए, ये पहला हिस्सा हो गया मेरा और ये दूसरा हिस्सा हो गया। इसका मैंने स्प्लिट हाफ निकाल दिया जिसको हम लोग आर कहेंगे। अभी ये हो गया मेरा आर यानी स्प्लिट हाफ वन। अभी इसी 10 आइटम्स को मैं कॉन्फिगर कर रहा हूँ इवन ऑड मेथड से। 1, 3, 5, 7 एक तरफ आ गए और 2, 4, 6, 8 ये दूसरी तरफ आ गए, तो मेरा SH2 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से मैं अलग अलग मेथड्स से अलग अलग स्प्लिट हाफ निकालूंगा सेम क्वेश्चन के लिए। तो ये SH1 सेम क्वेश्चन के लिए 10 आइटम्स के लिए SH2, SH3 ऐसे अनगिनत SH निकल सकते हैं। इफ सपोज मैंने चार तरीके से SH1 निकाले, अगर मैं इन चारों का एवरेज लेता हूं यहां पे, ये आए हैं एक्चुअली आर ही है, कॉर्पोरेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही है। पहली बार में 0.8 आ रहा है और फोर्थ अटेम्प्ट है ये 0.71। इसका अगर मैं एवरेज लेता हूँ ये चारों का, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिट हाफ अल्फा, क्रॉन्सबैक अल्फा, सॉरी क्रॉन्सबैक अल्फा। और इसका भी वही है थ्रेशोल्ड 0.7, आपका अल्फा जो है वो 0.7 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये 0.7, ये एक्चुअली सोशल साइंसेस में 0.6 भी चल जाता है, एनीथिंग अबोव 0.6 इज एक्सेप्टेड। और ये आइडियल रेंज जो है ये 0.6 से 0.9 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये आपका अल्फा 0.6 टू 0.9 के बीच में आता है तो हम लोग कहते हैं हमारा क्वेश्चनियर रिलायबल है, अदरवाइज नहीं। ओके, अभी बात होती है कि ये निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको एक जस्ट थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। इसके सॉफ्टवेयर आते हैं, जस्ट अ मोमेंट, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ये बस मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ मेरा सेशन। मैं मेरी SPSS की सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक मिनट लग सकता है, हेवी सॉफ्टवेयर है लोड होने के लिए। तब तक आपसे आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं आप। क्रॉन्सबैक अल्फा कैसे कंप्यूट करता है SPSS में वो मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये करना कंपलसरी है क्रॉन्सबैक अल्फा का रिपोर्टिंग। थोड़ा कंफर्म करिए मेरी SPSS की विंडो आपको दिख रही है अभी? यस सर, आता दिखती है। ओके ओके, मेरे पास ये 9 आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 आइटम्स है, और मुझे ये चेक करना है, ये कंस्ट्रक्ट है एक पर्टिकुलर, उस कंस्ट्रक्ट की ये 9 आइटम्स है। ओके, मुझे ये चेक करना है कि मैंने इस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए ये जो 9 आइटम लिए हैं, क्या ये 9 आइटम योग्य हैं, और क्या मेरी ये जो स्केल बनाई है मैंने लिकर्ट स्केल, ये रिलायबल है, यानी ये स्टैंडर्डाइज हो रही कि नहीं, ये जानने के लिए मैं अभी इसका क्रॉन्सबैक अल्फा निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए आप एनालाइज में जाएंगे, और एनालाइज में स्केल में आप जाएंगे, और स्केल में रिलायबिलिटी एनालिसिस, और इसमें ये जो पूरे 9 आइटम्स है मेरे, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स में, और यहाँ पे मैं ये वाली जो विंडो है इसको चेकबॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा, स्प्लिट हाफ, देन गटमैन, पैरेलल फॉर्म, देन स्ट्रिक्ट पैरेलल, ये कुछ मेथड्स है, पर मुझे तो अभी क्रॉन्सबैक अल्फा निकालना है इसलिए मैं अल्फा रख रहा हूँ इधर, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ये है केस प्रोसेसिंग समरी, मेरा सैम्पल साइज एन जो लिखा है ये 120 का सैंपल साइज है मेरा, और ये है हमारा क्रॉन्सबैक अल्फा जो आ रहा है 0.629। और मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉन्सबैक अल्फा जो है वो 0.6 टू 0.9 के बीच में कहीं पे तो भी आना चाहिए, पर जितना वो 0.9 की तरफ रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहता है वो।
और ये बिल्कुल मार्जिनली हमारा ये रिलायबिलिटी का मेजर आया क्रॉन्सबैक अल्फा का 0.629। इसको अगर आपको चेक करना, ये 9 आइटम्स है, ये देख रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम्स है। यहाँ पे लास्ट कॉलम पे अगर आप रेफर करेंगे, इसका टाइटल है क्रॉन्सबैक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। अगर ये आइटम, पहला आइटम जो है स्टेटमेंट, इसको मैं अगर निकाल देता हूँ मेरी स्केल में से, तो मेरा क्रॉन्सबैक अल्फा कितना आएगा, तो ये आ रहा है 0.685। ओरिजिनली कितना है ये, अगर इसको मैं रखता हूँ ये आइटम को, तो ये आ रहा है 0.629। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो मेरा क्रॉन्सबैक अल्फा बढ़ रहा है, यानी क्या ये आइटम मैंने निकाल देना चाहिए। एक्चुअली आप इसमें चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो ये पहले आइटम को ये लेके ही आ रही है 0.685, तो मैंने ये आइटम निकाल देना चाहिए मेरे स्केल से, और सिर्फ 8 आइटम से ही मैंने ये स्केल एडमिनिस्टर कर लेनी चाहिए। आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम कौन सा है, कि जहाँ पे 0.481, ये इसमें सबसे कम वैल्यू, ये जो चेरिस्मेटिक है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आइटम है, इसको तो मैंने हटाना ही नहीं चाहिए। और मैंने आइटम कौन सा हटाना चाहिए जिसकी वजह से क्रॉन्सबैक अल्फा मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम आ रहा है ये पहला आइटम हटाने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग हमारे क्वेश्चनियर को इसका रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे सेशन। सो टूडे वी हैड डिस्कशन ऑन क्वेश्चनियर डिजाइनिंग, all the 5 steps in designing questionnaire. At the same time I dealt with reliability and validity testing measures today, and importantly we had some hands-on on how to compute your CrossPack alpha using SPSS software. So yahan pe mera session wind up kar raha hu main. Aapko agar kuch questions honge to zarur puchiye, I will be very happy to take on your queries if there are any. आशीष सर, यस सर, इफ इन अ सर्वे वी आर हैविंग ओनली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड वी आर नॉट पुटिंग एनी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सो इज इट ओके? बिकॉज व्हाइल वी वर डूइंग अ एलएलएम, सो वी सॉ दैट आवर गाइड्स आर सेइंग दैट यू शुड नॉट पुट ऑल द ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. You should put some open-ended questions also. So, what is the means? What will be your opinion for this, sir? ठीक है, मैं बता देता हूँ. Screen share कर रहा हूँ मैं. थोड़ा confirm करिए, मेरी screen दिख रही है आपको? Yes, sir. Okay, मैं समझा देता हूँ. आपका सवाल ये है कि आपके question में सिर्फ MCQs है, तो क्या वो सही है, क्या हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए? अभी जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, एक डाइकोटोमस यस नो टाइप के क्वेश्चंस, जनरली यस नो या फिर दो चॉइसेस आप देते हो, ओके? दूसरा होता है एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 4 चॉइसेस ट्रेडिशनली, जिसको आप एमसीक्यूज ही कहते हैं। तीसरे होते हैं आपके स्केल क्वेश्चंस, ओके, जिसको हम लोग लिकर्ट स्केल, बाद में रेटिंग स्केल, और आपकी कंपैरेटिव स्केल्स, एज मेनी एज 20 स्केल्स आर देयर इन एग्जिस्टेंस, जो मुझे समझ है, इससे ज्यादा हो सकती है पर मुझे 20 तो मालूम है, ओके? और एक होता है हमारे पास, ये हो गया क्लोज एंडेड में। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हमारे पास दो ही चॉइसेस होती हैं, एक होता है ओपन एंडेड टेक्स्ट, दूसरा होता है ओपन एंडेड न्यूमेरिक। अभी आपके सवाल पे आ रहा हूं मैडम मैं, अगर सिर्फ आप ये पूछ रहे हो एमसीक्यू जो आपका ओरिजिनल सवाल था, तो ये टोटली गलत है। सिर्फ एमसीक्यूज पे आपने क्वेश्चनर नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मैंने, आपने ही मैडम क्वेश्चन पूछा था कल, ये नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो क्या होता है, और मैंने कल आपको बताया था कि एमसीक्यू टाइप ये नॉमिनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये डेटा के लेवल्स होते हैं 4, उसमें सबसे बेसिक लेवल नॉमिनल कहलाती है, लेवल 1। लेवल 1 का मतलब क्या है, ये 4 जो लेवल्स है, सबसे ऊपर जो होती है वो रेशो, इसका मतलब क्या है लेवल का? लेवल का मतलब है एनालिसिस के लिए स्कोप क्या है, कितना है। एमसीक्यूज पूछोगे तो आपके पास डेटा क्या आएगा, ए वाले कितने, बी वाले कितने, सी वाले कितने, डी वाले कितने, इसको कहते हैं कैटेगोरिकल काउंटेड डेटा। इसका आप बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, इसमें आप पाई चार्ट बना सकते हो।
कैटेगरी में, ए वाले कितने, बी वाले कितने, सी वाले कितने, और सिर्फ पाई चार्ट से कभी पीएचडी नहीं होता है या कोई रिसर्च नहीं होता है। इसलिए सिर्फ एमसीक्यूज तो डेफिनेटली फॉर श्योर 101% बोल रहा हूँ मैं मेरी तरफ से। हाँ, आप एमसीक्यूज रख सकते हो, पर सिर्फ एमसीक्यूज नहीं रख सकते, ये बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एमसीक्यूज रखना ही नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि एमसीक्यूज इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चनेयर, यू कांट सिंपली अवॉइड एमसीक्यूज, डाइकोटोमस एमसीक्यूज यू सिंपली कांट अवॉइड, बट यू कांट सिंपली यूज एमसीक्यूज क्योंकि एनालिसिस के लिए स्कोप नहीं है उसमें। ज्यादा से ज्यादा का काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो, बहुत ज्यादा उसमें कुछ स्कोप नहीं है, इनकॉर्पोरेट जरूर करिए। दूसरा है, मेरा फोकस रहेगा आपने ये ज्यादा यूज करनी चाहिए, रेटिंग स्केल्स हो गई, कंपेरेटिव रेटिंग स्केल, 20 प्रकार की स्केल्स है, लीकर स्केल तो आपने यूज करना ही चाहिए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में, इट इज कंपल्सरी फ्रॉम माई साइड, कंपल्सरी बोल रहा हूँ मैं तो। और बाकी भी स्केल्स है, आइटमाइज रेटिंग स्केल्स होती है, क्यू सॉर्ट इज देयर, बायपोलर इज देयर, सो मेनी स्केल्स आर देयर, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग तो ले लीजिए। क्वेश्चनर बनाना इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टास्क, जितना आसान वो लगता है ना उतना आसान है नहीं। आपने क्वेश्चनर बनाते वक्त अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, किसी भी एक टाइप पे आपने नहीं जाना चाहिए, वो भले एमसीक्यू हो या सिर्फ लिकर्ट स्केल भी, मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ लिकर्ट स्केल से भी आप क्वेश्चनर मत बनाइए। ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स फ्लेवर्स ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस डाइकोटोमस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू हो सकते हैं, कुछ लिकर्ट के हो सकते हैं, कुछ रेटिंग स्केल के हो सकते हैं, कुछ आपके कंपेरेटिव स्केल्स के हो सकते हैं, आपके रेटिंग स्केल लीनियर स्केल्स होती है वो हो सकते हैं, बायपोलर स्केल्स हो सकती है, स्टेपल स्केल्स होती है वो हो सकती है, पर ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चनर। बात करते हैं ओपन एंडेड की, आपका एक ओरिजिनल क्वेश्चन ये भी है कि क्या सर ओपन एंडेड क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, इसका जवाब हाँ है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मैसेज दिया है कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मालूम है वो ट्राई टू यूज दोस पर्टिकुलर फ्लेवर्स। अभी जहां तक इसका सवाल है ओपन एंडेड टेक्स्ट, ये ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पूरे क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चनियर इस फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर वो पूरे के पूरे ओपन एंडेड टेक्स्ट फॉर्म में है तो ये क्वेश्चनियर नहीं, इसको ओपिनियनियर कहते हैं, ओपिनियनियर। इसमें जो डेटा आता है वो सिर्फ टेक्स्ट में ही आता है, ऐसी बात नहीं कि इसका एनालिसिस नहीं होता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, इसके लिए एनवीवो नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, एनवीवो एन कैप्चर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, अलग सॉफ्टवेयर से आप शायद नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको ये मालूम ही नहीं है ये सब कैसे करते हैं प्रोसेस, तो वाई टू लैंड इन अननेसेसरी ट्रबल। दूसरा है ओपन एंडेड न्यूमेरिक, ये तो मैं बोल रहा हूँ ये तो होने ही चाहिए, क्योंकि इससे जो डेटा आने वाला है वो रेशियो का आने वाला है, नंबर में डेटा आएगा। आप अभी जैसे मैंने एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, व्हाट इज योर मंथली इनकम, एबीसीडी के फॉर्म में क्यों पूछ रहे हो, व्हाट इज योर मंथली इनकम डायरेक्ट पूछिए ना, उसका एवरेज निकल जाएगा, और आपको मालूम है स्टैटिस्टिक्स में एवरेज का कितना इंपॉर्टेंस है, एवरेज आ जाता है यानी आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हो आपके जो डेटा है उसको, और पैरामेट्रिक टेस्ट उच्च कोटि की टेस्ट होती है, आप कोरिलेशन रिग्रेशन एनोवा बाद में टी टेस्ट जेड टेस्ट, ये जो सुन के आपको मालूम है ये कब यूज कर पाओगे, जब आपके पास नंबर में डेटा है। आपने अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे हैं तो ये सब टेस्ट लगती नहीं है उसको, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक में जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक में वैसे भी रिकमेंडेशन नहीं होता है और चॉइसेस भी बहुत ही कम है, तो व्हाई टू लैंड इन अननेसेसरी ट्रबल। सो मैडम मैंने शायद आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। यस यस सर, थैंक यू सो मच। Any other questions? सर थांबूया इथे आपण, ठीक आहे मॅडम, ठीक आहे सर, डू टेक रेस्ट अँड सी यू टुमॉरो ॲट 10:30, इट्स व्हेरी हेक्टिक फॉर यू आय नो। येस सर। सो फ्रेंड्स लंच कर लीजिए, अपन 2 बजे मिलते हैं सेमिनार्स के लिए, ठीक है, गुड डे सर। ओके मैम, विथ योर परमिशन आई एम लीविंग द मीटिंग नाउ मैम। यस सर, यस फ्रेंड्स, आई एम एंडिंग द मीटिंग, जस्ट जॉइन एट 2:00 फर्स्ट सेमिनार्स ऑफ कोणाकोणाचे सेमिनार आहे, पहिले फाईन आर्ट्स वाले आहेत अँड देन मिक्स्ड आहे फिजिकल एज्युकेशन लॉ अँड पॉलिटिकल सायन्स सायकोलॉजी। चलिए 2 बजे मिलते हैं।